स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। सो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये चांदी को कैसे साफ करते हैं। ये हमारे पैरों की बिछिया है, इसको कई साल हो गए हैं मैंने इसको साफ नहीं किया है, बहुत साल पुरानी हो गई है। और ये देखिए अब किस तरीके से ये काली पड़ गई मेरी, ये पायल भी और ये बिछिया भी। तो मैं आज आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ ये मजेदार वीडियो। आप लोग बिना पैसे खर्च किए हुए आप इन चीजों को इजीली घर पर साफ कर सकते हैं। तो इसको साफ करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और ये नुस्खा जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये नुस्खा है हमारी दादी नानियों के जमाने से चलता हुआ आ रहा है कि हम इसको कैसे साफ कर सकते हैं घर पर ही। सो फ्रेंड, मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मिस हो जाएगा। इसीलिए तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो पर आए हैं तो आप लोग प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। सो फ्रेंड, चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा गरम बॉइल्ड पानी। तो हमने पानी बॉइल पहले से कर रखा हुआ है, ये देखिए ये पानी बॉइल है। और इसी में हम ये चांदी की मेरी बिछिया है पैरों की, मैं इसको डाल दूंगी और इसी में मैं पायल को भी डाल दूंगी। सो फ्रेंड, इसको हम रखेंगे गरम पानी में 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद हम इनको साफ करेंगे सिर्फ एक चीज से। तो आप लोग वो चीज मिस ना कीजिए और वीडियो पर पूरे बने रहिए। सो मैं 10 मिनट के लिए अभी वीडियो को रोकती हूँ और 10 मिनट ये अच्छे से गलेंगे इसमें गर्म पानी में। फ्रेंड, ये बहुत ही गर्म पानी है और इसको हम ऐसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि इसका जितना भी मेल है ये पूरा अच्छे से गल जाए। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, आप लोग देखिए ये 10 मिनट हो चुके हैं और इसको मैं अब निकाल के आप लोगों को साफ करती हूँ, आप लोग वीडियो पर बने रहें। सो इसको साफ करने के लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है और ना किसी चीज को किसी से करवाने की जरूरत है, हम इसे घर पर ऐसे साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पड़ता है ये टूथपेस्ट वाइट वाला, और जो कि सभी के घर में होता है। तो जैसे ये हमारे दांतों को चमकाता है वैसे ही ये हमारे शरीर को भी चमकाता है। और बहुत सारी है इस कोलगेट से जो खूबियां होती रहती हैं, शुरू से चला आ रहा है। तो अब हम इसको साफ करने के लिए हम जरा सा कोलगेट लेंगे। सो फ्रेंड, ये हमने कोलगेट ले लिया है, अब हम इसे इस तरीके से इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा और ले लिया है, इसके पीछे भी लगाएंगे और इसको पूरा, ये देखिए कितनी काली हो गई थी ये इतने सालों से, इसको हमने पूरा लगा दिया है कोलगेट और इसमें भी लगा दिया है। सो फ्रेंड, अब हम इसे सिर्फ ओनली 5 मिनट्स के लिए इसमें रखेंगे यूं ऐसे ही, और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें साफ करेंगे। सो आप लोग बने रहें और देखिए ये। सो फ्रेंड, अब मैं इसे साफ करूंगी। तो साफ करने के लिए आप कोई भी पुराना टूथब्रश ले सकते हैं, मैं पुराने टूथब्रश फेंकती नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही काम में आते हैं। तो इनको साफ करने के लिए हम इसे ऐसे ब्रश से रगड़ेंगे क्योंकि ये चांदी है फ्रेंड, तो इसको हम ऐसे रगड़ेंगे इस तरीके से। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये धीरे धीरे इसका कालापन दूर होते जा रहा है, ये चमकती जा रही है। और आप थोड़ा थोड़ा आप गर्म पानी में भी इसको टच कर सकते हैं।
बस हम इसको 5 मिनट के लिए ही बस इसको रगड़ेंगे, उसके बाद में हम इसको छोड़ देंगे। और अब ये रह गई है तो हम इसे भी ऐसे ही रगड़ेंगे। सो फ्रेंड, हमने इसको इस तरीके से हमने अच्छा रगड़ लिया है, आप लोग देखिए दोनों साइड से, आप भी ऐसे ही रगड़िए। और इसको रगड़ने के बाद हमें फिर से इसको गर्म पानी में थोड़ा इसको जो ये जम जाता है कोलगेट, इसको हमें साफ करना है, आप लोग देखिए। और इसके बाद में हमें डायरेक्टली ठंडे पानी से इसको धोना है, आप लोग देखिए ये कितने चमक गए हैं, ये देखिए फ्रेंड, ये आगे पीछे दोनों साइड से अच्छे चमक गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग ये चीज कमेंट में जरूर बताइए। और आप लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल आइकन को ऑन करके, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो जब तक के लिए बाय फ्रेंड।